टी20 वर्ल्ड कप हारने के बाद टीम इंडिया में कप्तानी को लेकर सिर्फ उटौबल का माहौल है। टीम क्या स्प्लिट कैप्टेंसी के लिए जाएगी? अगर हाँ तो कौन होगा टीम इंडिया का टी20 कप्तान? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त चर्चा में हैं। इसी बीच टीम इंडिया न्यूजीलैंड के दौरे पर गई है और इस सीरीज के साथ ही शुरू हुई टीम इंडिया की नई सूरत और नए कप्तान की तलाश। हार्दिक को टी20 टीम का कप्तान बनाया गया है। माना यह भी जा रहा है कि हार्दिक पंड्या टीम के परमानेंट टी20 कप्तान भी हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 मैच में 65 रनों से बड़ी जीत हासिल की। इसी के साथ 3 मैचों की टी20 सीरीज में भारत 1-0 की बढ़त बना चुका है। इस मुकाबले में एक कप्तान के तौर पर हार्दिक ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जो ये साबित करते हैं कि अगले टी20 कप्तान की रेस में वो प्रबल दावेदार है। वैसे भी एक कप्तान के तौर पर वो अपने पहले आईपीएल में ही कई दिग्गज टीमों को हराने के साथ आईपीएल की ट्रॉफी जीतकर खुद को सफल कप्तान के रूप में दिखा चुके हैं। लगातार टी20 खेलने के तरीके को बदलने की मांग हो रही है और रविवार को खेले गए इस टी20 मैच में उसकी झलक भी देखने को मिल गई। तो चलिए नजर डालते हैं टी20 में हार्दिक द्वारा लिए गए कुछ अहम फैसलों की। प्लेइंग 11 में चहल की वापसी। टी20 इंटरनेशनल में भारत के सबसे सफल बॉलर में से एक युजवेंद्र चहल को आखिरकार कोई गेम मिल गया। बात जब टी20 में भारत के बेस्ट स्पिनर की होती है तो पिछले कई सालों में हर कोई चहल का नाम लेता है, लेकिन ऐसे गेंदबाज को कप्तान रोहित ने पूरे विश्व कप में एक मौका तक नहीं दिया, जबकि बाकी टीमों में लेग स्पिनर्स काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। इस फैसले को टीम इंडिया की रणनीति में एक बड़ी चूक भी माना गया। ऋषभ पंत से ओपनिंग। लगातार कहा जा रहा था कि टी20 फॉर्मेट में पंत से ओपनिंग करवानी चाहिए। कहते हैं इस फॉर्मेट में एक ओपनर को अटैक करना ही पड़ता है, लेकिन रोहित और राहुल की जोड़ी की वजह से ये संभव नहीं हो सका। लेकिन हार्दिक ने मौका देखते ही चौका मार दिया। हालांकि इस मैच में उनका ये प्लान फेल हो गया और पंत सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन लगातार मौके मिले तो वो कमाल जरूर कर सकते हैं। सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पर आए। कहते हैं टी20 में आपके टीम के बेस्ट बल्लेबाज को सबसे ज्यादा गेंदे खेलनी चाहिए। मौजूदा समय में सूर्या भारत के बेस्ट बैट्समैन है और इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में 2022 में टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सूर्य कुमार यादव इस मैच में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए। वो अक्सर नंबर 4 पर खेलते हैं। हार्दिक के इस फैसले का फायदा सूर्या के साथ साथ टीम को भी मिला। सूर्या ने सिर्फ 51 बॉलों में 111 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। एक्स्ट्रा बॉलर ने किया कमाल। किसी ने सोचा नहीं होगा कि दीपक हुडा इस मैच में आएंगे और टीम इंडिया की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर होंगे। सिर्फ 2.5 ओवरों में 10 रन देकर दीपक हुडा ने 4 विकेट झटक लिए। इस दौरान वो एक बार हैट्रिक लेने के भी करीब आए। बल्लेबाजी में हुडा पहली गेंद पर आउट हो गए थे, लेकिन उन्होंने इसकी सारी कसर अपनी बॉलिंग में पूरी कर ली। कप्तान हार्दिक पंड्या का हुडा से बॉलिंग कराने का फैसला काम कर गया। बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप में मिली हार के बाद हर जगह यही मांग उठी कि अब सीनियर प्लेयर्स के छुट्टी करनी चाहिए और 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतना है तो इस फॉर्मेट को खेलने का तरीका बदलना होगा। ऐसे में हार्दिक की कप्तानी इन तमाम सवालों के जवाब देती नजर आ रही है। बहरहाल इस मुद्दे पर BCCI का क्या मानना है ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक डिजिटल। त्योहार है चुनाव का, गहराई से सोचिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद के शोर से बचिएगा। करेंगे चुनाव के हर छोटे बड़े पहलू पर बात। देखिए दिन और रात क्या कहता है गुजरात, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। सोशल मीडिया पर लिखिए #क्या कहता है गुजरात और देखिए हमारे ये शो।